होली के चमत्कारी उपाय। ज्योतिष शास्त्र में शिवरात्रि, होली, दीपावली, जन्माष्टमी आदि का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय शीघ्र ही फल देते हैं। होली के दिन लोग दूसरों के अहित के लिए टोने टोटके बहुत करते हैं और इसके लिए सदैव खाद्य पदार्थों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। इसलिए होलिका दहन वाले दिन सफेद खाद्य पदार्थों का सेवन यथासंभव नहीं करना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन पूरे दिन अपनी जेब में किसी काले रुमाल या काले कपड़े में काले तिल बांधकर रखें और रात को उसे जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे यदि पहले से भी किसी ने कोई टोटका किया होगा तो वह भी समाप्त हो जाएगा। होली के दिन प्रातः से ही किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिससे आपका मन मुटाव हो, कोई भी वस्तु जैसे पान, इलायची, लौंग, मिठाई आदि ना लें। इस दिन यथासंभव अपना सर भी ढककर रखें। यदि आपको लगता है कि लाख प्रयास के बाद भी आपका व्यापार बढ़ नहीं रहा है तो होलिका दहन से एक दिन पहले फिटकरी के 6 टुकड़े अपनी दुकान या कार्यालय में छोड़ दें और अगले दिन उन्हें लेकर होलिका दहन में के समय कपूर और किसी अनाज के साथ चुपचाप जलती हुई होलिका में डाल दें। आपके कारोबार को किसी की नज़र नहीं लगेगी। अगर नज़र लगे होगी तो उतर जाएगी और कारोबार फलना फूलना शुरू हो जाएगा। होली वाले दिन प्रातः एक अच्छी नारियल लेकर उस पर सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाकर उसे लाल वस्त्र में बांधकर माता लक्ष्मी से अपने यहाँ पर वास करने की प्रार्थना करते हुए उस नारियल को अपने व्यवसाय स्थल पर रखें। व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ेगा। होली के दिन होलिका की राख लाकर उसकी शाही बनाकर लोहे की कील या सिलाई से एक साफ सफेद कागज पर अपना मुकदमा नंबर और शत्रु का नाम लिखकर दोबारा जाकर होलिका में डाल दें और हाथ जोड़कर मन ही मन अपनी विजय के लिए प्रार्थना करें। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। ध्यान रखें, यह क्रिया बिल्कुल चुपचाप करें। मनचाही नौकरी पाना हो तो होली की रात 12 बजे पहले एक दाग रहित बड़ा नींबू लेकर चौराहे पर जाएं और उसकी चार फांक कर चारों कोनों में फेंक दें, फिर वापस घर आ जाएं। किंतु ध्यान रहे, वापस लौटते समय पीछे मुड़के ना देखें। यह उपाय श्रद्धा पूर्वक करें, शीघ्र ही रोजगार प्राप्त होगा। होलिका दहन के बाद रात में वहां से आग लाकर उसे घर में गोबर के कंडे जलाकर उसे नारियल की गिरी और गेहूं की बालियां भूनकर खानी चाहिए। इससे धन, यश और निरोगीता की प्राप्ति होती है। होलिका दहन के बाद घर में सूर्योदय से पहले एक चौकोर टुकड़ा साफ करके उस पर अंजीर, गुलाल, पुष्प और मिठाई अर्पित करके कामदेव का पूजन करना चाहिए। इसे पति पत्नी के बीच में हमेशा आकर्षण बना रहता है। होलिका दहन के अगले दिन यानी रंग खेलने वाले दिन को प्रणय संबंधों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। यदि पति पत्नी में आपस में अनबन रहती हो तो होली के दिन 5-5 रत्ती के मोती, 5 मोती का ब्रेसलेट पहने दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाएगी। अगर तमाम कोशिशों के बाद भी धन बरकत नहीं रहती है तो होली के दिन हनुमान जी के किसी सिद्ध प्राचीन मंदिर में 7 बताशे, 1 पान, 1 पीला जनेऊ अर्पित करें। तत्पश्चात
इसे 3 मंगलवार लगातार हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। आपके घर में धन का अनावश्यक व्यय रुक जाएगा और धन में बरकत होगी।